الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور وأكرم الرجل مخافة شره إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم محترم بھائیو دوستو بزرگو گزشتہ جمعہ سے ملی ہوئی جو بات ہے وہ علامات قیامت کے سلسلے میں ہے قیامت کی وہ بہت ساری نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ تقریباً ہم اپنے سامنے ظاہر ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں انہی نشانیوں میں وہ حدیث لمبی جس میں دو نشانیوں کے متعلق گزشتہ بات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظہرت الاصوات فی المساجد کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی شور ہونے لگے گا وساد القبیلۃ فاسقہم وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ قبیلے کا سردار گنہگار آدمی کو بنایا جائے اور قوم میں کا جو گھٹیا آدمی ہے اس کو قوم کا لیڈر بنایا جائے گا ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہمارے دور کے متعلق ہی جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں انہی دنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیان فرمائی پھر آپ نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ اور گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان یہ خوب عام ہو جائے گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے اتنا عام کہ اب نارمل ہو جائے وہ اس کو دیکھ کر اور اس کو سن کر کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ غلط ہے اتنا نارمل ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ایک دور وہ تھا کہ گانے والی عورتیں جو کبھی اپنے پیٹ کی مجبوری کی وجہ سے
अपने जिस्म को और अपनी सुरीली आवाज को पेशा बनाती थी, अपना जिस्म लोगों को दिखाकर और अपनी मदहोश कुन आवाज को सुनाकर लोगों से पैसे बटोरती थी। उसका हाल ये होता था कि इस औरत को मुआशरे में और समाज में उसका कोई स्टेटस नहीं होता था। कुछ मन चले लोग सिर्फ उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाते थे, वरना समाज और मुआशरे के और सोसाइटी के ज्यादातर लोग वो होते थे जो इसकी इस हरकत से सख्त बेजार होते थे। उन्हें इसकी इस हरकत से दुख पहुंचता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन होते होते इतना हुआ कि अब गाने बजाना और खाने बजाने वाली औरतें, इनका स्टेटस हो गया, ये एक मुस्तकिल प्रोफेशन हो गया, और प्रोफेशन से बढ़कर इसको एक नॉलेज और एक इल्म का शोबा बना दिया गया। उसको सीखने सिखाने के इंस्टीट्यूट कायम हो गए और इसके लिए बोली लगाई जाने लगी। गाने बजाने का जो सामान है कितना आम हो गया, जिसके अंदर से म्यूजिक निकले, जिसके अंदर से गाने की आवाजें निकले, पहले कभी किसी को म्यूजिक का और गाने बाजे का शौक हो तो उसके लिए ऐसा होता था कि उसको स्पेशल कहीं से किराए की वो सामान मंगाना पड़ता था, उसके जरिए से चंद घंटे उससे फायदा उठा सकता था, और वो भी बहुत महंगा किराया होता था जिसको लेकर बहुत कम लोग इसकी हिम्मत कर पाते थे। लेकिन होते होते इतना हुआ, हर घर नहीं हर जेब इससे बजने लगा, हर जेब। और जो गाना कभी किसी खास अंधेरी और कोने की जगह पर बजता था, वो गाना बजते बजते इतना आम हुआ कि आम पब्लिक प्लेसेस, बाजार और उससे घर, और घर से अब मस्जिद तक भी बजने लग गया। जो चीजें पहले छुपकर होती थी, कोने में होती थी, जो लोग जाने वाले होते थे वो बहुत डर छुपकर बचा बचा कर जा रहे होते थे, लेकिन होते होते यहां तक पहुंच गए कि अब वो गाना मस्जिद में भी बज रहा है लेकिन एहसास का नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने बजाने वाली औरतें भी और गाने बजाने का जो साधो सामान है ये भी खूब आम हो जाएगा, खूब नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में क्या होगा, فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا, ऐसे वक्त में सुर्ख आंधियों का इंतजार करना, जलजलों का इंतजार करना कि जमीन हिलाई जाएगी, लोग जिंदा के जिंदा, लोग और उनके साथ पूरी पूरी बस्तियां जमीनों में धसा दी जाएगी, शक्लें बिगाड़ दी जाएगी और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, और एक के बाद एक ऐसे लगातार आफतें और फितने आएंगे जैसे कि एक हार का दोरा टूट गया हो और एक के बाद एक मोती निकलते चले जाते हैं, वैसे ये हालात होते चले जाएंगे। हम देख रहे हैं, इस चीज को भी देख रहे हैं कि खूब गाना बजाना और उसके साधो सामान खूब आम हो गए हैं, और साथ साथ में इसकी वजह से आने वाली आफतें भी खूब बढ़ गई। ये म्यूजिक और ये जो गाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल-गिना युम्बितु निफाक कमा युम्बितु अल-माउ ज़रअ, जमीन में जो जिंदा जमीन है उसके अंदर पानी जाए तो चंद दिनों में उसमें घास उगना लाजिम है। चंद दिनों तक पानी जाए जमीन में, घास उगना लाजिम है। ऐसे ही जिस कानों में म्यूजिक जाएगा उस दिलों के अंदर निफाक उगेगा, मुनाफकत मुनाफकत पना उगेगा उसके अंदर।
मुनाफकत पना किसे कहते हैं? अंदर से कुछ बाहर से कुछ, इसके सामने कुछ और कह रहा है, उसके सामने कुछ और कह रहा है, डबल स्टैंडर्ड, दो रुखी जिसको कहते हैं, जिसके दो चेहरे, एक के सामने कुछ कह रहा है, किसी के सामने कुछ कह रहा है, अंदर में कुछ छुपा हुआ है, जबान से कुछ और जाहिर कर रहा है। म्यूजिक कानों में गया तो दिल के अंदर ये निफाक का आना लाजमी है, फिर निफाक बढ़ते 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 इतना कि वो सिर्फ जाहिर में इसलिए मजबूरन कि मैं मजबूर हूं, मुस्लिम खानदान में पैदा हो गया हूं और मेरा नाम फला फला है, वरना मुझे इस्लाम से और मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है, अंदर से ये हाल बनेगा उसका। म्यूजिक सुनते 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 सुनते, और अब तो सिर्फ सुनना नहीं है, अब तो लोगों को सुनाना, सामने से जो लोग इसके लिए लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना प्रोफेशन इसको बनाया हुआ है कि गाना बजाना और उसको आम करना, वो लोग तो उस पर रुपये और पैसे ले रहे हैं, उस पर कुछ दुनियावी फायदा भी हासिल कर रहा है कि हम फलाने शो के अंदर दाखिल हुए इतने पैसे लेंगे, हम फलाने मूवी का हिस्सा बने इतने पैसे लेंगे, हम फलाना म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर रहे इतने पैसे लेंगे। लेकिन क्या कहे हमारा ये नौजवान मुसलमान, मुफ्त का एम्बेसडर बना हुआ है, बेहयाई, म्यूजिक, फहाशी और ये नंगापन आम करने के लिए मुफ्त का ये एम्बेसडर बना हुआ है कि एक रुपया नहीं ले रहा बल्कि अपने जेब के पैसे लगा रहा है और दुनिया भर में ये नंगापन को आम कर रहा है। स्टेटस पे रख दिया कोई गाना, स्टेटस पे रख दिया कोई गलत पिक्चर, स्टेटस पर रख दिया कोई ऐसी बेहयाई की चीज कि वो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग देख रहे और सबको ये पहुंचाने का गुनहगार मुफ्त का ये बन रहा है। एप्लीकेशन तो क्या लाके दे दी कि बस अब खुद अपने वीडियो ऐसे बनाए, डबिंग जिसमें साउंड और डायलॉग लगाकर पहुंचाते चले गए, मुफ्त की बेहयाई फैला रहा है। जिन लोगों ने अपना शोबा बनाया, प्रोफेशन बनाया, वो तो पैसे लेकर फैला रहा है, वो तो फिर भी अपना दुनिया का फायदा ले रहा है, लेकिन ये बेखबर इंसान और मुसलमान और नौजवान के मुफ्त की बेहयाई फैला रहा है। हालांकि आप देखें कुरान करीम के साफ अल्फाज, ऐसी सख्त सजाएं चंद ही चीजों में है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल्फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग ये चाहते हैं और ये करते हैं कि इनकी इन हरकतों की वजह से और इनकी इन तमन्नाओं की वजह से मुसलमानों के अंदर बेहयाई फैल रही है। जिन लोगों की हरकत है इसके अंदर वो स्टेटस भी आ गया और वो वीडियो बना बना के जो अपने लॉन्च किए जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं वो सब दाखिल है इसके अंदर, कि जो लोग बेहयाई को फैलाना पसंद कर रहे हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया, कि उनके लिए दुनिया के अंदर दुख देने वाला और तकलीफ देने वाला अजाब है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है उनके लिए। जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं उनकी जिंदगियां देखे पता चलेगा क्या हालत होती है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा सिंगर था प्रिंस नाम का, नौजवानी के अंदर उसने अपने टैलेंट के जरिए से पॉपुलैरिटी भी बहुत कमाई थी, बहुत लोगों का लोकप्रिय था वो, नौजवानों का खास तौर से, पैसा भी खूब कमाया उसने। उसका अपना प्राइवेट जेट वो होता था जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का होता है, वही जेट उसका अपना प्राइवेट। उसका बंगले का यह हाल था कि मेन गेट से लेकर अंदर के दरवाजे तक जाने के लिए कई किलोमीटर का फासला, इतने बड़े एरिया में उसका अमेरिका के अंदर जो घर था, और खूब लोग चाहना उसकी फैली हुई थी। जवानी के दौर के अंदर उसने ऐसे वक्त में खुदकुशी कर ली, क्या वजह होगी? पैसा था, पॉपुलैरिटी थी, क्या वजह थी खुदकुशी करने की? कि जो लोग इस तरह से बेहयाई को फैलाने में लगते हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी को तंग कर देते हैं, परेशान हो जाते हो और उन्हें कोई चारा नजर नहीं आता, इस तरह से अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में कि गाने बजाने वाली औरतें और गाने बजाने का जो साजो सामान है ये खूब आम हो जाएगा, हर हर जगह, हर हर घर, यहां तक के मस्जिदों में पहुंच जाएगा।
दौरान नमाज गाने बजना शुरू हो जाते हैं और इस पर एहसास नहीं है। तोड़ देने चाहिए वो मोबाइल जो नमाज के दौरान गाना बज गया, जिसकी वजह से उसकी अपनी और सारे नमाजियों की नमाज खराब हुई। वो फोन तोड़ देने चाहिए। और ये सहाबा की जिंदगी में मौजूद है। नमाज के अंदर ख्याल आ गया, जाकर पूरा बाग वक्फ कर दिया। नमाज के अंदर ख्याल आ गया, पूरा बाग अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया। जो चीज अल्लाह और बंदे के दरमियान में कनेक्शन को तोड़ने का जरिया बने, उस चीज को तोड़ देना चाहिए। तो ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलजले और सुर्ख आंधियां और ये सब हालात उसकी वजह से आएंगे। इसलिए ये वो दौर है कि जिसमें हम अपनी जिंदगियों को सुधारें, तौबा करें अपनी पिछली जिंदगियों से, और एक एक वो चीज जिसको शरीयत ने गुनाह कहा है उसको छोड़ने की कोशिश करें। फिर देखें जिंदगियों के अंदर कैसी बहारें आती है। अल्लाह जल्ल शानों में सही समझ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिनकी सुन्नत बाकी हो सुन्नत पढ़ लीजिए, जो सुन्नतों से फारिग हो दुआ में लग जाए।